गुड आफ्टरनून एवरी वन. हेयर हेमलता मैम इज वंस अगेन विद टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर फर्स्ट लेसन्स फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो. एंड टुडे आई विल डिस्कस विद यू द टेक्स्टुअल क्वेश्चंस ऑफ द सेम लेसन. क्वेश्चन नंबर वन इज What was parents expected to be prepared with for school that day? कहते कि जो फ्रेंड्स था वो क्या एक्सपेक्टेड कर रहा था जब वो प्रिपेयर हो रहा था स्कूल के लिए. फर्स्ट डे जब उसने स्कूल के लिए प्रिपेयर हो रहा था वो क्या एक्सपेक्टेड कर रहा था. कहते ही एक्सपेक्टेड टू बी द प्रिपेयर्स विद द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स. तो वो पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे उन्हें उसको लर्न करना था. ठीक है, उसका यूज़ जो है वो टीचर उससे पूछ सकते थे. तो ये चीज़ वो एक्सपेक्टेड कर रहा था. कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कि व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. तो कहते हैं कि उस दिन जो फ्रेंड्स था उसने क्या नोटिस किया था, कौन सी अनयूजुअल थिंग्स जो थी उसने स्कूल में नोटिस की थी. तो कहते हैं ही नोटिस दैट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल विद नो ट्रेस ऑफ द usual commotions. it was as quiet as Sunday morning. कहते हैं उसने notice किया था कि it was all still, कि सब कुछ still है, with no trace of the usual commotions. जो daily activities होती थी वो कुछ नहीं हो रहा था. it was quiet as Sunday morning. तो कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे quiet थे, बिल्कुल ऐसे चुप थे जैसे Sunday morning होती है. then वो कहते हैं कि next question, what had been put up on the बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा गया था. इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्राम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक्स एंड लॉरेन. कहते कि इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके ऊपर शायद ऑर्डर जो था वो दिया हुआ था कि बर्लिन से ऑर्डर है कि जो एल्सेक के और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें ओनली जर्मन जो है उसी को टॉट करवाया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे. कहते हैं कि जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसकी वजह से, उसके कारण से क्या चेंजेस आए थे स्कूल में उस दिन. कहते हैं देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस एवरीवेयर. जो चेंजेस उस दिन स्कूल में देखे ये, तो कहते हैं वहाँ पे कम्प्लीट साइलेंस थे एवरीवेयर. एवरी वन लुक्स sad and serious. हर कोई sad और serious था. ओल्ड पीपल्स ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हैमल्स फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स. जो ओल्ड पीपल्स थे वहाँ के विलेज के ओल्ड पीपल, वो थैंक करने के लिए आए थे मिस्टर हैमल का, जो उनके टीचर थे, फ्रेंच के टीचर थे. उनकी 40 ईयर्स की जो सर्विस थी, उन्होंने फेथफुली जो सर्विस की थी उसको वो थैंक्स बोलने के लिए आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल्स एंड स्कूल चेंजेस. तो कहते हैं कि जो फ्रेंड्स की फीलिंग क्या थी मिस्टर हैमल को लेके एंड जो स्कूल चेंज हो रहा था उसको लेके फ्रेंड्स की क्या फीलिंग्स थी. वो कहते हैं कि फ्रेंड्स वॉज नाउ वेरी सैड फॉर मिस्टर हैमल. ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रॉड्स एंड हिज क्रैंकी नेचर. की जो फ्रेंड्स जो था वो बहुत सैड था मिस्टर हैमल को लेके. उसकी हर एक एक्टिविटी जो उसके लिए पनिशमेंट, वो जो पनिश करते थे उसको, फ्रेंच को जो उसके टीचर पनिश करते थे, वो उन सारी चीज़ों को फॉरगेट कर दिया उसने. देन वो कहते हैं नाउ ही नो लॉन्गर हेटेड स्कूल, ही लुक्ड अपॉन बुक्स एज अ फ्रेंड. तो कहते हैं कि अब वो स्कूल से हेट भी नहीं कर रहा था और वो अपनी जो उसकी बुक्स थी जिनको वो पढ़ना नहीं चाहता था उनको वो अब ऐसे देख रहा है जैसे उसकी फ्रेंड्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज्ड हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम. व्हाट शू यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन. कहते पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, कि जो पीपल हैं इस स्टोरी में तो उन्होंने सडनली रियलाइज किया कि जो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत ही प्रीशियस है उनके लिए. कहता व्हाट शोज यू दिस, कि आपको ये कौन सी चीज़ जो है वो शो कर रही है.
why does this happen? और ये क्यों हुआ? कहते हैं orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. कहते हैं कि जर्मन से बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जो लॉरेंस के और एलसेक की जो स्कूल्स हैं उसमें ओनली जर्मन जो है उसको टीच करवाया जाए. सो मिस्टर हैमल द फ्रेंच टीचर्स हैज टू लीव द स्कूल. तो जो मिस्टर हैमल थे फ्रेंच टीचर जो थे उनको स्कूल लीव करना था. व्हेन द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज कम टू नो दैट मिस्टर हैमल इज लीविंग द स्कूल्स फॉर एवर. तो कहते हैं कि जो वहाँ पे ओल्ड मैन जो थे वो विलेजर्स उस विलेज के तो यहाँ पे मिस्टर हैमल के लिए हैमल को मिलने के लिए स्कूल में आए थे, उनका थैंक्स बोलने के लिए स्कूल में आए थे. कहते दे कम टू थैंक फॉर हिम हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. वो यहाँ पे उसकी मिस्टर हैमल की 40 ईयर्स की जो उन्होंने फेथफुल सर्विस की थी उसको थैंक्स बोलने के यहाँ पर आए थे. एवरीवन इज़ वेरी सैड एट हिज लीविंग द स्कूल. कि हर कोई बहुत सैड था उनकी स्कूल छोड़ने को लेके. मिस्टर हैमल टेल्स हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स डैट फ्रेंच इज क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. कहते मिस्टर हैमल टेल्स हिज स्टूडेंट्स, जो मिस्टर हैमल है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि जो हमारी लैंग्वेज है वो कितनी क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है. He calls it the most beautiful language in the world. वो उसको वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहते थे. He wants his people to keep it alive and never forget it. वो चाहते थे कि हमारे जो पीपल हैं इसको हमेशा अलाइव रखें और इसको कभी भी फॉगेट ना करें. He says when peoples are enslaved, कहा कि जब पीपल enslaved हो जाएंगे as long as they hold fast to their language, इट इज़ एज इफ़ दे हैव द की टू देयर प्रीजेंस. कहते हैं कि उनके पास अगर उनकी लैंग्वेज होगी तो वो जो लैंग्वेज है वो इस तरह से वहाँ पर रोल प्ले करेगी कि जैसे क्या होता है किसी प्रीजन की क्या होती है की होती है, इस तरह से ये रोल प्ले करेगी. ही मेक्स दैम फील दैट द जर्मन कैन इंस्लेव दैम द फ्रेंच पीपल्स बट दे कॉन्ट टेक अवे देयर लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि जर्मन जो है उन्होंने इनको स्लेव बना लिया, फ्रेंच पीपल को स्लेव बना लिया, लेकिन बट दे कांट टेक अवे, लेकिन अपनी जो लैंग्वेज है वो उसको दूर नहीं करेंगे, हमेशा अपनी लैंग्वेज से लव करेंगे. इट इज़ इन देयर ब्लड एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव. कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है ये क्या है, हमारे दिलों में होनी चाहिए, ठीक है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, ये तब तक हमारे दिल में रहनी चाहिए, तब तक जिंदा रहनी चाहिए जब तक हम इंसान जो है वो अलाइव है. कहता है ऑल दिस मेक्स द पीपल सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम. कहता है ये जो उन्होंने स्पीच उन्होंने बताया था लोगों को, लेसन दिया था और समझाया था उन्होंने, कहते सडनली इससे जो लोग थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है हमारी अपनी लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए कितनी प्रेशियस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फ्रेंड्स थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन. कहते हैं फ्रेंड्स थिंक्स, फ्रेंड्स ने सोचा था कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो इनको भी बोलेंगे कि आप जर्मन में सिंग करो. इवन द पिजन्स, पिजन्स जो थे पिजन उसने वहाँ पे आवाज़ उनकी सुनी थी कि छत के ऊपर क्या थे पिजन्स थे तो वो भी बोल रहे थे. तो कहते हैं कि क्या उसके मन में एकदम से ऐसा आया उसको कि क्या इनको भी बोला जाएगा कि आप ही अब सिंग किस में करो, आप जर्मन में ही सिंग करो. कहते हैं व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मीन है, क्या मतलब है, उसने जो सोचा इस चीज़ का क्या मतलब है. कहते हैं इट मीन्स that the German can enslave the French but they can take their away their love of the French language. कहते हैं इसका जो मीनिंग है वो है कि जर्मन कैन इंस्लेव द फ्रेंच, कि जो जर्मन है वो फ्रेंच को इंस्लेव कर सकती है, बट लेकिन दे कांट टेक अवे देयर लव ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन वो क्या कर सकते कि एक जो लव है लैंग्वेज को लेके वो उसको दूर नहीं कर सकती. कहते हैं इट इज़ देयर ब्लड एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड एज लॉन्ग एज
दे आर अलाइव, और ये हमारे ब्लड में है और इसको कोई भी जो है वो दूर नहीं कर सकता। ठीक है, टीचर उनको यही समझाता, कहता है आपके तो ब्लड में ये लैंग्वेज है, तो आपको आपके लैंग्वेज से कोई दूर नहीं कर सकता अगर आप अपनी लैंग्वेज को लव करते हो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इसके क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे। तो कल हम इसी लेक्चर के जो एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।